नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 1 जून, तो 1 जून 2021 के करंट अफेयर। आदित्य गुप्ता ने लॉन्च की 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक। जो आदित्य गुप्ता हैं, उन्होंने लॉन्च की है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक। दिल्ली राज के उद्योगपति हैं आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक लॉन्च की है। जिन्होंने बिजनेस नामक एक पुस्तक लॉन्च की है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक की खास बात यह है कि उन्होंने COVID-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो 1 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को इस पुस्तक को लॉन्च किया है। आदित्य गुप्ता ने इस पुस्तक में 250 पेजों में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली एक काफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। इसमें एक काफ़ी टेबल बुक लॉन्च भी की गई है। तो ये आदित्य गुप्ता ने बुक लॉन्च की है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट। चलिए अब आते हैं आज की नेक्स्ट खबर पे। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई 2021 को मनाया जाता है। विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी संगठन द्वारा WGO संस्थान के सहयोग के से हर साल 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 29 मई है जो, उसको विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ष 2004 में विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी संगठन की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय है, जो विषय है ऑब्जेसिटी इन ऑनगोइंग पेंडेमिक रखा गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो विषय है इसका। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कंपटीशन में, इन ऑनगोइंग पेंडेमिक रखा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हांगकांग की त्साग इन हांग ने तोड़ा एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड। जो हांगकांग की हैं त्साग इन हांग ने तोड़ा एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड। हांगकांग की पर्वतारोही महिला हैं, इन्होंने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। 44 वर्षीय हैं महिला हैं, इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट में रिकॉर्ड समय में 24 घंटे से भी कम समय में 8848.86 मीटर 29031 फीट माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जिन्होंने चोटी को फतह किया, त्सांग इन हांग ने नेपाल की महिला पर्वतारोही भुजो जांगम लामा के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड को तोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उन्होंने उनके नाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपने नाम इस रिकॉर्ड को किया है। चलिए अभिनेता संजय दत्त को दिया UAE सरकार ने गोल्डन वीजा। जो गोल्डन वीजा है वो संजय दत्त को दिया गया है। अपने देश के अभिनेता हैं जो संजय दत्त, प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। संजय दत्त UAE की तरफ से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। पहले भारतीय अभिनेता कौन है जो जिन्होंने गोल्डन वीजा प्राप्त किया UAE से? तो संजय दत्त हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन वीजा की मदद से अब संजय दत्त UAE में 10 सालों तक रह सकते हैं। जो वीजा मिला उनको 10 सालों तक रह सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम क्या है? तो आबू धाबी। अब जब बात हुई तो उसके अमीरात के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जावेद अल नुहान। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। क्रिस्टीन बर्मुथ बने अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव। जो अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव है, क्रिस्टीन बर्मुथ बनी है। क्रिस्टीन बर्मुथ अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सचिव, महिला सेना सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। क्रिस्टीन बर्मुथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में गठित COVID-19 संक्रमण के तहत पेंटागन की टीम का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा उप सचिव के रूप में कैथलीन हिक्स को नियुक्त किया गया है।
तो ये क्रिस्टीन मरमुत हैं जो अमेरिका सीनेट की पहली महिला सेना सचिव बनी है। फार्म इजी मेडिलैब। फार्म जी ने ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का किया अधिग्रहण। फार्म जी जो कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है। मुंबई की बेस्ट फार्म जी ने ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफार्म मेडिलैब जो फेमस प्लेटफार्म है का कंपनी का अधिग्रहण किया है। फार्म जी ने मेडिलैब की 100% हिस्सेदारी 746 करोड़ रुपये में खरीदी है, जो 100% हिस्सेदारी 746 करोड़ रुपये में खरीदी है। मेडिलैब के अधिग्रहण करना ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। तो मेडिलैब की जब बात हुई, मेडिलैब का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मेडिलैब की स्थापना कब हुई थी? मेडिलैब की स्थापना 2004 में हुई थी। चलिए आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित की इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री। जो आईआईटी गुवाहाटी है उसने इमारतों के लिए निर्माणाधीन इमारतें उनके लिए स्मार्ट विंडो सामग्री। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने इमारतों को स्वयं जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विकसित इन नए स्मार्ट विंडो सामग्री से निश्चित वोल्टेज पर खिड़की से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है। जब खिड़की से निश्चित वोल्टेज रखा जाएगा, प्रकाश और उससे गर्मी जो निकलेगी उसको नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकेगा। इस अध्ययन के परिणाम सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। जो इस अध्ययन के परिणाम है, रिजल्ट है, जो वो इस पत्रिका में भी प्रकाशित हुए। महाराष्ट्र के शिवाजी गुरु बने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी। जो महाराष्ट्र के हैं, शिवाजी गुरु बने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र राज्य के पुलिसकर्मी शिवाजी गुरु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं। शिवाजी गुरु वर्तमान में पुणे सहायक पुलिस निरीक्षक हैं, जो पुणे में हैं। पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक हैं जो कि गुरबी सांगली जिले के निवासी हैं। उन्होंने 8848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। महाराष्ट्र राज्य की जब बात हुई है तो महाराष्ट्र राज्य से पूछ लेते हैं, राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र की? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सभी लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के हैं वर्तमान गवर्नर हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, सभी लोग जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर पे। बशर अल असद बने सीरिया देश के नए राष्ट्रपति। सीरिया के राष्ट्रपति नए बने हैं वो कौन है? बशर अल असद। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद नियुक्त किया गया है। बशर अल असद का यह चौथा कार्यकाल है। चौथा कार्यकाल 55 वर्षीय बशर अल असद सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में अगले 7 वर्षों के लिए कार्यरत रहेंगे। उन्होंने 95.1% वोट हासिल कर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सीरिया देश की राजधानी का नाम क्या है? दमिश्क। जो सीरिया की राजधानी है वो कहाँ है? दमिश्क। सीरिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? सीरियाई पाउड। चलिए आते हैं नेक्स्ट खबर पे। RBI ने HDFC बैंक पर ऑटो लोन बुक थी उसमें गड़बड़ी के लिए लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना। RBI ने HDFC बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनिए दोस्तों, तो RBI ने HDFC बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। RBI के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ GPS डिवाइस भी खरीदना अनिवार्य होता है। जो ग्राहक GPS डिवाइस खरीदना नहीं चाहते RBI के अनुसार उनका ऑटो लोन अप्रूवल नहीं होता है। परंतु HDFC बैंक ने बिना डिवाइस खरीदे व्यक्तियों के ऑटो लोन को भी अप्रूवल कर दिया था, इस वजह से उस पर जुर्माना लगाया गया है। तो ये थी बात। तो चलिए अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। जो 1 जून के वन लाइनर, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। तो सभी लोग याद रखेंगे गोवा का स्थापना दिवस है जो 30 मई को मनाया जाता है। किस बैंक में UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स में जोड़ने की घोषणा की? किस बैंक ने, जो कौन सी बैंक है, UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स में जोड़ने की घोषणा की? तो ICICI बैंक है।
आईसीआईसीआई जो प्राइवेट बैंक है उसने घोषणा की है। नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया? तो सीबीएसई ने कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया था सीबीएसई ने। तो पीएम मोदी ने, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, पीएम मोदी ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को कितनी कितनी राशि देने की घोषणा की? तो 10 लाख रुपये जो मोदी ने, जो कोविड-19 में लोग बच्चे अनाथ हो गए उनको घोषणा किया हुआ है, उनको 10 लाख रुपए मोदी दे सरकार देगी। एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? जो एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम में कैटेगरी में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। अजित डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन दिया? अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक को, तटरक्षक जहाज है जो, उसको कमीशन दिया? आईसीजीएस सजग, आईसीजीएस सजग। अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सजग को कमीशन किया है, कमीशन बाय अजीत डोभाल। ठीक है, भारतीय ग्लोबल में वन वेब के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किया? तो 36 सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किए हैं वन वेब के तहत। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की? बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा को सलाह देने की, युवा पहल की शुरुआत की है। किस संगठन में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सेबी, सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की? असम ने, असम ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। जो असम ऐसी राज्य सरकार है जिसने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की। एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अनुपमा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा अधिनियम लागू करने की घोषणा की? पासा क्या होता है? पासा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। जो एंटी सोशल, जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो सामाजिक विरोधी गतिविधियाँ हैं, एंटी सोशल समझे, अधिनियम लागू करने की घोषणा की। लक्षद्वीप, तो भारत का ऐसा राज्य लक्षद्वीप है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस संगठन ने स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो नाटो, नाटो एक संगठन है जो डिफेंस के काम रूप में काम करता है। स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये जो है सैन्य अभ्यास, ये शुरू हुआ नाटो की तरफ से किया गया। यूईएफए चैंपियंस लीग 2021 का खिताब किसने जीता? जो यूईएफए चैंपियंस लीग है 2020 और 21 का खिताब चेल्सी ने जीता है, चेल्सी, चेलिसा बोलते इसको। क्वेश्चन नंबर 17, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सामी खेदरा ने संन्यास लेने की घोषणा की? सामी खेदरा हैं, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित हैं। किस सम्मान से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ? जो कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ वो कौन से सम्मान से सम्मानित किए गए? तो वीर चक्र से सम्मानित किए गए थे कर्नल पंजाब सिंह, जो जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? जो NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक इस समय कौन बने हैं? कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह है जिन्हें NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत की सबसे बड़ी रिसाइकिलिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? भारत की जो सबसे बड़ी रिसाइकिलिंग बुद्ध प्रतिमा जो रिसाइकिल की हुई है, तो बोधगया में स्थापित की गई है, जो पहले से बनी थी बस उसको रिसाइकिल किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। DGCA ने कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक रोक लगाने की घोषणा की है? तो 30 जून तक DGCA जो है भारत की, उन्होंने कोरोना महामारी पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं होंगी। नंबर 22, किसके महाराजा महाराव पिरगमलजी थर्ड का निधन हुआ? किसके महाराजा? कच्छ के महाराजा। कहाँ के महाराजा थे? कच्छ के महाराजा थे जिनका अभी निधन हुआ है, महाराव पिरगमलजी। महारावा पिरगमलजी हैज डाइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मैथिली शिवरामन का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे जिनका अभी निधन हुआ हाल ही में? तो नेता जो मैथिली शिवरामन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध नेता थे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2021 और 21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में FDI निवेश कितना बड़ा है? जो FDI का निवेश है वो कितना बड़ा? 3 गुना बड़ा है, $26.14 बिलियन जो निवेश है वो बड़ा है। किसकी अध्यक्षता में GST परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया? 25 क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में गठन किया? तो कोनराड के संगमा, इनके रिश्ते में नियुक्त किया गया है कोनराड के संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26, लॉन्च पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ 2003-2020 के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। जो उसके लेखक हैं, बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, तो उसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश में स्थित माउंट निरांगोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कौन से देश में स्थित है ये ज्वालामुखी? तो कांगो के गणराज्य में स्थित है ये ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी बोहरा ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही थी, पूजा रानी बोहरा ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 29 नंबर क्वेश्चन, किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? किसने बेलग्रेड ओपन 2021 है जो उसका खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। सभी लोगों को पता होगा जिससे पढ़ रहे बच्चे काफ़ी समय से कि नोवाक जोकोविच एक फेमस नाम है, कई लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो जब दक्षिणी सूडान है, भारत के नए राजदूत उसमें नियुक्त हुए हैं, तो कौन है? विष्णु कुमार शर्मा। तो विष्णु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अनंत कृष्णन का निधन हुआ है? अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे उनका, जिनका नाम था अनंत कृष्णन, उनका अभी निधन हुआ है हाल ही में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है। 33, विश्व तंबाकू दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? इस बार जो विश्व तंबाकू दिवस था 21 मई को मनाया गया, उसका विषय क्या रखा गया? उसका विषय रखा गया कमिट टू क्विट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। किस देश ने तेंजोहू टूयान को अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहानने के साथ डॉक किया? चीन। कौन सा देश है? तो चीन ने इसको अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहानके के साथ डॉक किया। तो चाइना का भी गया था अंतरिक्ष, जिसका नाम था तेंजोहू टू यान। चलिए बस आज के लिए इतना ही।